व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम जय, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में प्यारे साथियों, हम सभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप सभी जानते हैं, और होपफुली अब आपको मतलब मज़ा भी आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग काफ़ी चीज़ें लग रही होंगी, क्योंकि हम नाउन को कम्प्लीट कर चुके हैं। तो आगे चलते हैं, नाउन के बाद आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। तो आप सभी हेडिंग लगा लीजिए भाई। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है आपका प्रोनाउन। हिंदी वाले बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने सर्वनाम, ठीक है। क्या होते हैं प्रोनाउन? तो हम कह सकते हैं, पहले हमने इसके ऊपर वैसे चर्चा की थी जब मैंने पहली वीडियो आपकी बनाई थी, तो आप सभी को पता होगा। तो हमने ये बात की थी रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि नाउन की जगह पर प्रयोग यानी कि यूज किया जाता है ना, तो नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाता है। आप अपने शब्दों में लिखते हैं भाई, जिनका यूज हम कहां पर करेंगे, नाउन की जगह पर यूज करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। हमने एक वर्ड में लिख दिया रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, ठीक है, जो नाउन की जगह पर क्या है, प्रयोग होते हैं। तो हिंदी वाले भी समझ चुके होंगे और इंग्लिश वाले भी। तो नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, जो किया जाता है मतलब, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यहां पर आप लिख देते हैं प्रोनाउन। बोलो यहां तक बात, डेफिनेशन समझ आ गई? समझ आ गई? तो एग्जांपल ले लेते हैं इसका एक। तो एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं आपसे, जैसे मैंने बोला, एक एग्जांपल आपसे के सामने लिखा, राम इज अ बॉय, ठीक है, राम इज अ बॉय, राम इज वेरी इंटेलिजेंट। भाई राम इज अ बॉय, राम इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो तुम देख रहे होगे, क्योंकि नाउन हम पढ़ चुके हैं भाई, यहां पर राम भी नाउन है, इसमें भी राम नाउन है। तो इस रिपीटेशन से बचने के लिए हम इसे राम की जगह पर, यहां पर हम किसका यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं आपका ही का। तो राम इज अ बॉय, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ओके। सो प्रोनाउन आपको होपफुली समझ आ चुका होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं भाई, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो यहां पर ही जो हमने यूज किया है, हम क्या कह सकते हैं, ये ही जो है इसमें प्रोनाउन है, ठीक है, क्लियर। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राम इज अ बॉय, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। बोलो यहां तक चीजें क्लियर समझ आ गई? क्योंकि मैं आपके कमेंट पर भी ध्यान देता हूं भाई, तो कमेंट करा करो साथ साथ, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तो बात कर ली हमने सिर्फ डेफिनेशन की, कैसे हमें मतलब किस तरीके से आ सकता है और कैसे पहचानेंगे, ये मैंने उसमें भी बताया था आपको भाई, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या है आपका, या तो नाउन होता है मोस्टली या प्रोनाउन होता है, तो वो चीज हमने बात कर ली थी। अब क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बनता है ना, वो यहां से बनता है, किससे बनता है, प्रोनाउन के टाइप से। तो प्रोनाउन टाइप्स, या आप इस तरीके से लिख दीजिए, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, बात एक ये समझ आ गया, ठीक है। तो भाई सर्वनाम के प्रकार हैं, हिंदी वाले भी दोनों को वैसे साथ साथ लेके चलने की कोशिश है मेरी। अब सबसे पहले कंफ्यूजन और दिक्कत जो आती है ना, वो याद करने की आती है। किसी से पूछो कि बताओ नाउन क्या होते हैं, तो तुरंत बता देगा, चार से पांच है वो है, लेकिन ये समझ नहीं आता। तो इसकी मैं ट्रिक बता देता हूं आपको, प्रोनाउन के टाइप याद करने के लिए आप एक शब्द याद रखेंगे, इसका नाम है आपका प्राइड, ठीक है। क्या है? प्राइड। इस प्राइड से क्या बनता है, देखो दो तो यहां से निकलेंगे, एक यहां से निकलेगा, सॉरी तीन यहां से निकलेंगे, दो यहां से निकलेंगे, दो यहां से निकलेंगे और एक यहां से निकलेगा। निकलते दो है ई से भी, लेकिन हमें दस टाइप के पढ़ने होते हैं।
देखो पी से क्या बनेगा, पी जैसे बनता है आपका पजेसिव प्रोनाउन। तो पहले मैं ट्रिक ही बता देता हूं भाई, आप कुछ और भी बना सकते हो अपनी ट्रिक, ठीक है। तो पहले जो बनता है वो बनता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल पी आर ओ का मतलब है भाई प्रोनाउन, ठीक है। चलो लो लिख ही देता हूं मैं, ठीक है। दूसरा जो पी से बनता है वो बनता है आपका पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन। तो दो तो बन के आगे पी से याद हो जाएंगे क्लास में। आर की अगर मैं बात करूं तो आर से बनता है एक हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और एक दूसरा जो आर से बनता है वो बनता है आपका रेसिप्रोकल के बाद रिफ्लेक्सिव, ठीक है। और एक तीसरा जो बनता है इसके बाद रेसिप्रोकल हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव हो गया, और हमारा रिलेटिव प्रोनाउन बनता है भाई, रिलेटिव प्रोनाउन डॉट डॉट कर लीजिए प्रोनाउन में। तो तीन तो हमारे इससे निकल के आ गए, अब बचा गया ये आई। तो आई से क्या निकलता है, एक निकलता है हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन, और एक आई से जो निकलता है वो है हमारा इंटेरोगेटिव। अब ये क्या क्या होते हैं ये मैं आपको एंड में बता दूं, घबराने की दिक्कत नहीं है। डी से क्या बनता है ऊपर कर लेते हैं, डी से अगर हम बात करें तो एक बनता है आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, और दूसरा जो डी से बनता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो दो इससे निकल गए, और ई से जो बनता है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। तो भाई गिल्लो आप अपने ये आपके हो जाएंगे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस। ई से एक और निकलता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी होता है, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके इंपॉर्टेंट है। एक शब्द जो याद रखना है कौन सा बताया है सर हमने याद कर लिया है प्राइड, एक दो बार करोगे बाकी आपकी अपनी ट्रिक है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ चुका होगा, ठीक है भाई। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, तो सबसे पहले पर चलते हैं, ये मैं रम कर रहा हूँ क्योंकि होपफुली आप मतलब साथ साथ लिख भी रहे होगे, नहीं लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, नोट्स में वैसे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल भी रही हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन टाइप में सबसे पहले जो पढ़ना है, सबसे पहले जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है पहला प्रकार, और ये है आपका पर्सनल प्रोनाउन, डन। पर्सनल प्रोनाउन हमें पढ़ना है, पर्सनल प्रोनाउन यानी आप सभी जानते हो पर्सनल जिसमें बात की जाए। तो आपको ध्यान ये रखना है इस तरीके से, देखो एक तो क्या होते हैं भाई पर्सन, और एक क्या होता है आपका सब्जेक्ट, और एक क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट, इन तीनों पे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए आप सभी जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं तो आप सबको पता होगा आई बी यू, आई यू बी, दे, ही, सी, और एक आता है आपका इट, ठीक है। ये आपके आते हैं आई बी यू दे ही सी इट। अब इनका ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए, आई का क्या होता है भाई मी, बी का क्या होता है, बी का आप बोलोगे अस होता है, यू का यू ही रहेगा, दे का क्या होता है देम होता है, दे का देम होता है, ही का क्या होता है हमारा जो आपका क्या है जो ही है, ही का क्या होता है भाई ही और सी। तो देखो सी का तो क्या हो जाएगा हर हो जाएगा, और इट का क्या होता है आपका इट हो जाएगा, बच्चा क्या हमारा ही का बताओ जरा आप। अरे भाई ही का भी तो सिंपल सही है, क्योंकि देखो मैंने क्यों लिखा है सी का तो हर पजेसिव में भी आ जाता है इसमें भी, तो मतलब हर हर ही होता है आपका, लेकिन ही की अगर हम बात करें तो ही का जो होता है ना वो होता है आपका हिम, ठीक है। दोनों में कंफ्यूजन होती है यहां पर, तो आपको याद रखना आई का मी, यू का सॉरी आई का मी जो बी है उसका आस, यू का यू ही रहेगा, बचा क्या हमारा जैसे दे है दे का दे में, ही का हिम होता है ही में कंफ्यूजन होती है, सी का हर होता है, इट का इट होता है हमारा। अच्छा पर्सन की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा ये दोनों की अगर हम बात करें आई और बी ये क्या होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू की अगर मैं बात करूं ये क्या है आपका सेकंड पर्सन है, और अगर इन सब की अगर मैं बात करता हूं ये क्या है भाई ये है आपका थर्ड, ठीक है। तो सेकंड और इसको फर्स्ट,
ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, क्योंकि इतनी चीज़ें आपको, कुछ चीज़ें आपने पढ़ी भी होगी, मैं मानता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जीरो से हम लेके चलें। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये सारे याद करने पड़ेंगे भाई आपको, एक दो बार बोलोगे याद हो जाएगा, आई वी यू दे ही सी इट, एक दो बार याद करोगे तो आपको क्या है ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको याद हो जाएंगे। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो क्वेश्चन मैंने एक लिख दिया यहाँ पर, क्वेश्चन आपके सामने लिखा ही किल्ड, ही किल्ड, ही किल्ड, ही किल्ड सी। इस सेंटेंस में जरा एरर बताओ, कमेंट करने की कोशिश करनी है, तो आपको एरर पता चल चुका होगा कि ही किल्ड सी, भाई यहां पर तो ये सब्जेक्ट है, ये क्या है वर्ब है, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो हमें ये पता लग गया कि भाई ही की अगर बात हो रही है, ही किल्ड सी मतलब वैसे मीनिंग क्या समझ आ रहा होगा, जिनकी बिल्कुल जुड़े है, मतलब उसने उसे मार दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना सी, दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इधर हो जाता हूँ, जो हमारा सी है उसकी जगह हम क्या करेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर्म लेकर आएंगे हर, ठीक है, बोलो समझ आया। जैसे मैंने बोला सी लव्स ही, मैंने ये लिखा सी लव्स ही, मतलब वो उससे प्यार करती है, तो आप बताओ इसमें क्या एरर होगा, आप बोलोगे सर यहां पर आप क्या करोगे ही की जगह क्या करोगे भाई, क्या था देखो यहां पर बताए ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा हमारा हिम, इस तरीके से क्वेश्चन आपका यहां पर बन जाता है। बोलो यहां तक क्लियर है या नहीं है बात, एक बार कमेंट करके बताओ कि हाँ सर हमें ये चीज बिल्कुल समझ आ गया, आ गया। तो अब आगे चलते हैं, जो परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हुए इसी बेस पर यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं, इनका आपको क्या करना है आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन जो बना गया वो पहला क्वेश्चन था दे आर गोइंग विद आई, ठीक है, दे आर गोइंग विद आई, इसमें एरर बताना है। दूसरा आई, हाँ एक क्वेश्चन याद आने दो, चलो जब तक वो याद नहीं आ रहा है जब तक ये लिखो, दूसरा मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा लेट आई गो, तीसरा लिखा मैंने, तीसरा क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है रोहन हेल्प यू एंड आई, ठीक है, ये आपका एरर है। एक और याद आ जाए तो बढ़िया रहेगा, कौन सा था भाई, कभी कभी एग्जांपल याद आते नहीं है, लेकिन मैंने ये बताया आपको, पहले में एरर फाउंड आउट करना है, दूसरे में सही क्या होगा ये बताना है, ठीक है। ये था आपका, चलो ये मेरे को इस तरीके से लिख लो, आई कैड हो जाएगा, हाँ आई कैड फोर, आई कैड फोर सी, ठीक है। ये आपके मैंने चार क्वेश्चन लिखे हैं, इन चारों में एरर बताने की कोशिश करी। अब देखो एरर कैसे आएगा, मैं वैसे इसको हटा दूंगा, पहला ऑप्शन दे देगा दे आर, मतलब ए ऑप्शन बन गया, ये गोइंग वाला बी ऑप्शन बन गया, ये वाला सी बन गया, और डी और बना दे तो वो बन जाएगा नो एरर। इस तरीके से परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं कि इस वाले सेंटेंस में क्या बताना है आपको, एरर फाइंड आउट करना है, तो बहुत से बता देंगे कि इसमें एरर क्या है, सी वाले ऑप्शन में है, ठीक है। तो मैंने ये वैसे लिख दिया, ऑप्शन में ऐसे बना के दे देता है, ठीक है, तो वो ऑप्शन ऐसे भी दे सकता था भाई, ए में एरर, बी में, सी में, या डी में, ठीक है, मानो पहले का ही है ये, तो इनमें से आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है आपकी परीक्षाओं में, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई सी में क्या है, एरर है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, क्यों है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है दे आर गोइंग विद आई, आई ना होकर यहां पर क्या होगा आपका मी होगा, तो हम क्या करेंगे इसको यहां से आई को काटेंगे, मी यहां पर लगा देंगे।
अब क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमेशा ध्यान रखो विद जो है वो प्रीपोजिशन है, ठीक है? तो आपको ऐसे करके लिख लीजिए, वैसे प्रीपोजिशन क्या लेता है भाई, अपने, प्रीपोजिशन के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट फॉर्म आती है, ठीक है? इस तरीके से आप नोट करके लिख सकते हैं, यानी प्रीपोजिशन के बाद कौन सी आएगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो प्रीपोजिशन यहां पर विद होगी और विद के बाद क्या होना चाहिए, आई का क्या होता, आई की जगह मी हो जाएगा हमारा, क्लियर? अगले में क्वेश्चन करने की कोशिश करो। दूसरा आपको दिखाया लेट आई गो, तो हमेशा एक और पॉइंट यहीं से बनता है कि यार लेट के बाद है ना, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, तो इसी तरीके से लिख दीजिए, लेट के बाद क्या होगा आपका, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी हमारी। तो भाई लेट यहां पर क्या है, आई को काटकर क्या कर दोगे, लेट मी गो होगा हमारा, करेक्ट ये हो जाएगा, क्लियर समझ आया? फिर कह रहा है रोहन हेल्प यू एंड आई, अब बताओ इसमें रोहन हेल्प यू एंड आई, तो आपको पता लग गया यार ये क्या है, ये तो है सब्जेक्ट, ये है आपका वर्ब, और ये क्या है आपका, ये वाला हो जाएगा आपका क्या भाई, ऑब्जेक्ट, ठीक है? क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो आपको पता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, आई ना होकर क्या होगी, मी होगी, तो इसमें एरर ये था हमारा, ठीक है? तो अगले के क्वेश्चन करो, आई केयर फॉर, सी प्रीपोजिशन आ गई, हम किसका यूज करेंगे यहां पर, हम यूज करेंगे सी का हर, ठीक है? ये आपके एरर है। तो भाई यहां से क्वेश्चन इस तरीके से आपके बनते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से दे देगा, मैंने आपको खाली ऑप्शन दे दिए, अब मैं बनाने को इसमें भी दे सकता था, जैसे ए ऑप्शन बना दिया मैंने, ए ऑप्शन बना दिया, इसका भी मैं बना सकता था, ज्यादा खिचपिच हो जाएगी, जैसे बी बना दिया, फिर सी बना दिया, डी मैं बना सकता था, नो एरर, तो आपको जैसे नो एरर लिख दिया मैंने, तो आपको पता होना चाहिए कि यार सी वाले में एरर है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो चाहे आपको वो इस टाइप का एरर दे दे, चाहे फिर वो ऑप्शन वाइज दे दे, कैसे भी दे दे, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बोलो यहां तक बात क्लियर है तो आप यस यस करके टाइप कर दीजिए, जल्दी से बताइए, वेरी गुड, क्लियर है? तो आगे चलते हैं भाई, अब यहां से आगे कुछ और कंसेप्ट बनता है। अब क्वेश्चन क्या मतलब कंसेप्ट क्या बनता है, कभी कभी जब सारे प्रोनाउन एक साथ आ जाते हैं ना टुगेदर, तो वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन क्या है आपके बने हुए हैं। तो इसमें आपको जो ध्यान रखनी है, पहली बात ध्यान रखनी है, जब भी पॉजिटिव बात की जाए, क्या बात की जाए, जब भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का भाई ध्यान रखना, जब भी सकारात्मक हो, ठीक है, जब भी क्या हो, पॉजिटिव यानी सकारात्मक हो, तो हम यहां पर किसका यूज करेंगे, हम यूज करते हैं 2 3 1। अब ये 2 3 1 क्या है, 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन, और आई का मतलब यहां पर मतलब 1 का मतलब है आपका आई यानी कि फर्स्ट पर्सन, ठीक है भाई? तो पॉजिटिव को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात मैं भी एग्जाम्पल भी दूंगा, दूसरा आपको नेगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे भाई, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट का मतलब है कि कोई गलत बात की जा रही है, गलत की जा रही है, ठीक है? अभी एग्जाम्पल देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेगेटिव यानी कि इसको बोलेंगे हाँ नकारात्मक, ठीक है? अच्छा, नकारात्मक जब भी बात होगी तो इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 का क्या करेंगे हम यूज करेंगे। देखो यहां पर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ऐसी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन 1 2 3 का मतलब ये है। मैं बहुत इजी करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बता दिया सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है। फिर तीसरा अगर हम बात करें, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं क्योंकि एग्जांपल भी तो देना, इनके क्वेश्चन आंसर आपको बता मतलब क्वेश्चन दूंगा उसमें एरर फाइंड आउट करना समझ आ जाएगा। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा होता है हमारा प्लूरल, ठीक है? तो जब भी प्लूरल हो तो एक तो बात ध्यान रखना, वैसे बी ऑलवेज फर्स्ट, ठीक है? यानी इसमें भी हम क्या यूज करते हैं, 1 2 3 यूज करते हैं, बी पहले आ जाएगा हमारा, बी मतलब फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, ऐसे चलता है हमारा। तो किस तरीके से आएगा, एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी परीक्षाओं में आया हुआ है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन नंबर येलो से लिखते हैं, आपको कलर चेंज करके पता लग गया, इसमें एरर बताना है भाई। पहला एग्जाम्पल भी क्वेश्चन से ही ले रहे हैं हम, ये मान के चलो, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा आपका कि क्या है, हाँ आई, ये लिखो आई यू एंड सी
इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है भाई, अब आई यू एंड सी, ऑप्शन ए पहले में एरर है, इज गोइंग तो गोइंग टू लिख देते हैं, ये बी ऑप्शन हो गया, मार्केट वाला सी ऑप्शन हो गया, तो और डी लिख देते हैं नो एरर। चलो ये पहला क्वेश्चन बन गया आपका, डी ऑप्शन बन गया। अब तीनों में फाइंड आउट कर के बात करो। अब तुम इस सेंटेंस को देख सकते हो, मतलब एग्जांपल मान लो या परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन मान लो, आई यू एंड सी इज गोइंग टू मार्केट, नो एरर, ए बी सी डी नो एरर है, तो बताओ इसमें क्या एरर होगा। तो आप ये कह सकते हो कि सर अगर हम इसकी बात करें, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो हमने तो देखा यहां पर काम क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, मार्केट जा रहे हैं, है ना, साधारण सी बात है, पॉजिटिव है। तो हमने देखा कि भाई हम वहां पर किसका यूज करेंगे, हम प्रोनाउन का क्या करेंगे, अगर टूगेदर यानी एक साथ आए, आई यू एंड सी है, तो हमें यह देखना है हम इनका किस तरीके से यूज करेंगे। तो बात अच्छी हो रही है, पॉजिटिव यानी सकारात्मक बात हो रही है, तो पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन, फिर आएगा फर्स्ट पर्सन। लेकिन यहां तो दे रखा है पहले फर्स्ट पर्सन दे रखा है, फिर सेकंड पर्सन दे रखा है, और फिर दे रखा है थर्ड पर्सन। तो हमने तो देखा था नेगेटिव में इसका यूज करेंगे, लेकिन यहां तो पॉजिटिव में दे दिया, तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपका, बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगर वो आपसे पूछता है कि क्या क्या है आपका इस वाले सेंटेंस में एरर क्या है, तो आप फट से बता दोगे कि सर ए है। लेकिन अब वो पूछने लग जाए, कभी कभी ऑप्शन दे देता है कि इसकी जगह पर सही क्या होगा, तो सही क्या होगा, सही आप बोलोगे भाई पहले आएगा सेकंड यानी यू, फिर आएगा थर्ड, है ना, यू सी एंड आई, यू एंड सी आई। ठीक है, अब तीन चार हो गए तो क्या हो जाएगा आर। ठीक है भाई, दो से दो तीन है ना, आर गोइंग टू मार्केट, बाकी एंड सो एंड आपका मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। बोलो यहां तक चीजें समझ आई इसकी, तो फिर अगले का आंसर खुद देने की कोशिश करो भाई। ये भी क्या है आपका, एग्जांपल है आपका, जैसे मैंने लिखा, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे मैंने लिखा, हाँ चलो यही ले लेते हैं, याद आ गया, सी यू एंड आई हैव मेड अ मिस्टेक, और एक ऑप्शन दे देते हैं नो एरर। ठीक है, ये हो गया डी, और क्या है अ मिस्टेक, ये हो गया आपका सी, एंड यहां पर ले लेते हैं हेल्पिंग वर्ब वाला, ये हो जाएगा बी, और ये वाला हो गया आपका ए। बताओ भाई ए में ए बी सी क्या होगा, सबसे पहले तो पहचानना नेगेटिव मतलब मिस्टेक हुई है, तो भाई गलत ही है। ठीक है, गलत है, तो सही क्या होगा, वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वन टू थ्री का चलेगा हमारा। तो आपको पहले तो यही पता लग गया होगा, काफी ने सही भी आंसर करा होगा, सी यू एंड आई। ठीक है, तो भाई अगर इसको अगर हम बात करें, तो हम तो वन टू थ्री लाएंगे, तो पहले क्या हो जाएगा आपका आई, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा हमारा सी, फिर क्या हो जाएगा हमारा यू। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी एंड सो ऑन का क्या होगा आपका, ये सेम सेंटेंस चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। हाँ, बी वाले में हमेशा ध्यान रखना, बी क्या है हमारा, हमेशा क्या रहता है, फर्स्ट रहता है, पहले नंबर पर ही आता है। जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, जैसे बी एंड दे हैव मेड अ मिस्टेक। ठीक है, तो बी हमेशा फर्स्ट नंबर पे होता है। बोलो यहां तक ये चीजें अगर आपको क्लियर होगी तो आप कमेंट करके बताओ, क्लियर। तो आपको अगर यहां से एरर बन जाए, तो आपको ये सीक्वेंस मान लीजिए, मतलब लगाना आपको आना चाहिए कि पॉजिटिव होगा तो 2-3-1 का फॉर्मूला, नेगेटिव होगा तो 1-2-3, प्लूरल होगा तो आपका क्या है, वहां पर आपका बी ऑलवेज रिमेन फर्स्ट। ठीक है, अब यहीं से क्वेश्चन बनते हैं इसी में कंपेरिजन से। तो अब आपको कंपेरिजन कैसे करना है ये भी सीख लीजिए। तो अगर मैं कंपैरिजन की अगर मैं बात करता हूं, तुलना जिसको बोलेंगे, हिंदी वाले लिख लेंगे, तो तुलना कैसे करोगे भाई, भाई सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से करोगे, क्या करोगे, सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से तुलना होगी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की किससे होगी भाई, ऑब्जेक्ट की होगी तुलना ऑब्जेक्ट से, क्लियर, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से होगी आपकी।
अब किस तरीके से होगी, क्वेश्चन आया हुआ है, देखो क्वेश्चन कैसे आया था परीक्षा में, क्वेश्चन ऐसे आया, मतलब पहला क्वेश्चन ले लेते हैं नंबर वन, जैसे इसमें दिया हुआ रोहन रन्स फास्टर देन हर, ठीक है ये बन गया। अच्छा इसमें भी कर देते हैं, वैसे एरर बनाना चाहो ए बी सी डी नो एरर हो सकता है, ठीक है इस तरीके से हम बना सकते हैं इसमें भी। अच्छा इसमें बताओ एरर क्या होगा यार, अभी तो हमने सीखा है ये सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है ठीक है, ये क्या है आपका रन क्या है भाई वर्ब है आपकी, ठीक है फास्टर देन क्या बता रहा है हमारा, ये फास्टर देन बता रहा है हमारा कंपेरिजन, तुलना ही तो बता रहा है ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कंपेरिजन ठीक है। हर क्या है हमारा, ये हो गया हमारा क्या हो गया एक मिनट भाई, हर क्या हो गया हमारा, यहां पर भी आपका सब्जेक्ट ही होगा, वैसे ऑब्जेक्ट लग रहा होगा आपको लेकिन यहां पर कंपैरिजन वैसे ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर जब कंपैरिजन की बात हो रही है तो हमने क्या सीखा यार सब्जेक्ट का किससे करेंगे, सब्जेक्ट से कंपैरिजन करेंगे, तो भाई यहां पर भी क्या होगा रोहन क्या है सब्जेक्ट है, तो यहां पर भी क्या होगा हर ना काट कर क्या होगा सी हो जाएगा ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अगले का आंसर क्या करना है आपको देना है, अगला लिखा मैंने जैसे रीना इज अन इंटेलिजेंट एज हिम, ठीक है ये एन नहीं है, चलो रीना इज अन इंटेलिजेंट एज होगा, यहां पर मैं गलत लिख दिया ये, इसको हटा लो क्योंकि एज एज क्या दिखाता है कंपैरिजन को दिखाता है, रीना इज एज इंटेलिजेंट एज हिम मतलब रीना भी क्या है यहां पर उतनी इंटेलिजेंट है जितना वो है, तो अब हमने क्या देखा यार कंपैरिजन हो रहा है, देखो एज एज क्या हो गया मतलब कंपैरिजन की बात हो रही है, ये कंपैरिजन दिखा रहा है तो यहां पर भी कंपैरिजन होगा सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, तो यहां पर क्या है सब्जेक्ट है, ये तो हेल्पिंग वर्ब होगी, ये कंपैरिजन दिखा रहा है तो यहां पर भी हमारा क्या आ जाएगा सब्जेक्ट आ जाएगा ठीक है, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा हिम है तो हिम का क्या हो जाएगा ही हो जाएगा ठीक है डन। तो अगर कंपैरिजन हो रहा है तो इतना से ध्यान रखना कि अगर कंपैरिजन से एरर आ जाए तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से करेंगे भाई ठीक है क्लियर। अब हमने सारी चीजें पढ़ ली लेकिन एक बच गया हमारा, क्या सारे मैंने आपको जो पर्सनल प्रोग्राम है वही पढ़ा रहा हूं लेकिन एक बच गया इट ठीक है, तो इट की अगर हम बात करें तो इस तरीके से लिख लिए इट है ना, तो यहां पर लिख दिए यूज ऑफ इट ठीक है, मतलब इट का उपयोग, तो इट का कहां यूज करेंगे, सबसे पहले बात करें तो हम बात करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आ जाएगा ठीक है, और क्या हो सकता है एनिमल के भी साथ यूज कर लेते हैं, एनिमल्स है एंड आपका सॉरी एंड बेबीज, तो बेबीज लिख लीजिए बेबी की जगह बेबीज, टाइम वगैरह में भी हम यूज कर लेते हैं इट का ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ठीक है, जैसे मैंने लिया जैसे टाइम में कर लेते हैं ना, जैसे इट इज होली तो होली भी समय होगा, जैसे इट इज इवनिंग ठीक है, जैसे इट इज 4 PM ठीक है, तो ये मतलब टाइम में भी हम क्या कर लेते हैं इसका किसका इट का यूज कर लेते हैं हम ठीक है, तो आपको ध्यान रख लेना। अब यहां पर एरर कैसे आएगा, इसमें एक ही एरर बनता है यहां से, और एरर की अगर मैं बात करूं तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में बनता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में बनता है आपका, कैसे बनेगा एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या लेते हैं एग्जांपल जैसे मैंने लिया जैसे इट ठीक है, क्या लिखा इट इज ऐसे लिख लो इट इज मी हु हैज मेड अ मिस्टेक, ये वाला क्वेश्चन है, बताओ इसमें एरर क्या होगा भाई, ये क्वेश्चन है आपका ठीक है यही है। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि जब भी इंट्रोडक्टरी हो ना
तो उसके बाद क्या होगा, इट के बाद ऑब्जेक्टिव नहीं आता, क्या आएगा, आई आएगा, पहला है तो ये। अब हु यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो इट इज आई हु हैव मेड अ मिस्टेक, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना रियल सब्जेक्ट क्या होता है, कभी कभी मतलब इट्स मी ना बोलकर हम क्या बोलते हैं, इट्स आई बोलना ज़्यादा सही होता है। तो इट्स आई बोलना चाहिए आपको भी, ठीक है। तो ये आपका एरर आपको इसमें पता लग गया होगा। ऑप्शन ऐसे बना दिए जाते हैं ए बी सी, ठीक है, तो मैंने इसलिए ऑप्शन नहीं बनाए। अच्छा, दूसरा आप खुद करने की कोशिश करो, मैं दूसरा क्वेश्चन और लिख रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, जैसे मैंने लिखा इट इज हर हु शुड अपोलोजाइज, तो इसमें एरर बताओ भाई, टी कर लेना इसको, ठीक है। इट इज हर हु शुड अपोलोजाइज, तो आप कहोगे कि भाई यहां पर तो क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव दे रखा है, जबकि हमारा क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव, ठीक है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है ना, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इट इज की जगह क्या हो जाएगा, यहां पर ही ना होकर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, यहां पर मान लो हेल्पिंग वर्ब का भी एरर हो सकता था, एरर कुछ भी बन सकता है, तो एरर शुड तो शुड ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये तो मॉडल्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आपका यूज ऑफ इट है। अमूमन यही क्वेश्चन आपका मतलब परीक्षा में बनता है एरर की जगह इट्स मी है, क्योंकि हम जनरली बोल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आप सोशल मीडिया का आजकल वैसे भी यूज ज़्यादा करते हैं, तो इट्स मी ज़्यादा यूज करते हैं, तो इट्स आई करेक्ट होगा आपका। तो जल्दी बताओ यहाँ तक अभी तक जो मैंने पढ़ाया आपको समझ आया या नहीं आया, वेरी गुड, समझ आ रहा है। चलिए, तो ये अभी मैंने एक टाइप पढ़ाया पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो अब चलते हैं हम दूसरे की तरफ। और दूसरा जो है, दूसरा प्रकार जो है वो है आपका डेमोंस्ट्रेटिव। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, देखो डेमोंस्ट्रेटिव का मतलब आपको वैसे पता होगा, किसी को हम क्या करते हैं, पिन पॉइंट करते हैं। पिन पॉइंट कैसे करते हैं, ऐसे ही बताते हैं ना, दिस इज माय हाउस, दिस इज माय वाइफ, ये सब वगैरह। तो पिन पॉइंट करते हैं मतलब पास, एक तरह से डेमोंस्ट्रेट मतलब अपना अधिकार साबित दिखाते हैं, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं आपके, तो ये कौन से होते हैं भाई, ये है आपका जैसे दिस है, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका दैट, दिस दैट। तीसरे की अगर मैं बात करूँ ये, तो ये क्या होता है आपका दीज। और चौथे की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आपका दोज। बस इनका यूज सीख लो, ठीक है। दोज है भाई ये टी एच ओ एस ई, ठीक है, इनका यूज सीख लो, यही हमारे हैं। अच्छा, इस दिस का मतलब क्या होता है, वैसे मैं बता देता हूँ, क्योंकि हिंदी में होंगे बहुत सारे हमारे साथ। यह बह दीज ये हो गया, दोज क्या हो गया हमारा, बे या बो बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये है, तो आपको ध्यान रखना है ये दिस जो है ना, ये दिस जो है वो किसके लिए यूज होगा, नियर के लिए यूज होगा। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी हमारी, सिंगुलर आएगी भाई। जैसे मेरे पास में मैं बोलूँ दिस इज माय पेन, तो मैं यहाँ पर एग्जांपल भी ले सकता हूँ, जैसे दिस इज अ पेन, क्लियर। दैट कहाँ पर होगा, दैट की अगर हम बात करें तो दैट जो है वो दूर के लिए होगा, तो इसको हम फार बोल सकते हैं। इसके साथ भी क्या होगा आपका, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो मैंने बोल दिया भाई, जैसे यही पेन बहुत दूर है, तो मैंने बोल दिया दैट इज माई पेन, ठीक है, मतलब दैट इज माई पेन, ठीक है। तो जैसे इसका हो गया दैट इज अ पेन, ठीक है, रखा हुआ है, ऐसे ही बोल सकते हैं दैट इज अ पेन, ठीक है, दूर वाले के लिए थोड़ा सा फार, ठीक है। अच्छा, दीज जो है ये क्या होगा, पास के लिए होगा, लेकिन कहां पर होगा, यहां पर ये सिंगुलर था, तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लूरल हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया बहुत सारे पेन है, दीज आर पेन्स, क्लियर भाई, दीज आर पेन्स मतलब रखे हुए, ठीक है, नियर बाई बहुत सारे मानो यही रखे हुए। जैसे मैंने ये पेन भी ले लिया, ये वाला और भी पेन ले लूं, तो ये क्या हो गया, दीज आर पेन, ठीक है। आगे चलते हैं, दीज की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये दूर के लिए यूज हो जाएगा, लेकिन रहेगा कैसे, प्लूरल। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे दीज की जगह क्या हो जाएगा, दोज, हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी, आर पेंस, बस दूर होते बहुत सारे, तो मैं उनको दोज बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका
क्या होगा भाई, क्वेश्चन बनते हैं ठीक है। तो अब यहाँ से जो एरर बनता है, क्योंकि मैंने आपको बताया डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है यार, एक जो है ना क्या होता है, एक डेमोस्ट्रेटिव क्या होता है हमारा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, आगे पढ़ेंगे वैसे, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि वो कन्फ्यूजन कर देता है कि यार डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है, तो इसको आपको इसलिए समझना जरूरी है। तो आपको एक ध्यान रखना है, जब भी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात होगी तो एडजेक्टिव के बाद हमेशा एडजेक्टिव क्या रहता है भाई, नाउन आएगा, क्योंकि भाई एडजेक्टिव का मतलब वो क्या होता है, विशेषण होता है, और विशेषण मतलब विशेषता किसकी बताई जा सकती है, किसी नाउन की। तो ये ध्यान रखना, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव वहां होगा जहां पर क्या है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए या एडजेक्टिव के बाद हमारा नाउन आ जाए, कैसी भी बात कर लीजिए। लेकिन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना यार कि डेमोस्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है ना आपका, इसके बाद आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जो डेमोस्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है आपका, इसके साथ क्या होगा, आपका सिर्फ प्रोनाउन होगा, इसके साथ नाउन नहीं आ सकता, बस इसको ऐसे करके लिख लो ठीक है। ये दोनों बातें, अब अभी बात नहीं आई तो अब समझ आएगी, एग्जाम्पल नंबर वन लिखो, जैसे मैंने लिखा दिस इज अ पेन, और दूसरा मैंने लिखा दिस पेन इज ब्लैक। अब दोनों में ध्यान देना, दोनों चीजें समझ। देखो अगर मैं दिस की बात करूं तो ये सब्जेक्ट है, क्योंकि ये क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है ठीक है। तो भाई अगर सब्जेक्ट है तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, मतलब पहली क्लास में जो नाउन की आपकी क्लास थी, कि भाई सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ सकता है, या तो नाउन आ सकता है या प्रोनाउन, और वैसे भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ये दिस जो है, ये तो हो गया प्रोनाउन। लेकिन दिस इज पेन, तो पेन क्या है आपका दोस्तों, ये है नाउन, नाउन से पहले दिस आ गया, तो ये दिस क्या है आपका, ये है एडजेक्टिव। बोलो बात समझ आई भाई, नाउन से पहले हमने क्या पढ़ा, ये वाला पॉइंट देखो, अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया तो वो क्या होगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। अगर प्रोनाउन है और उसके बाद नाउन नहीं है, तो यहां पर तो देखो सब्जेक्ट है ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा डेमोस्ट्रेटिव क्या होगा, प्रोनाउन होगा ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखिए कि भाई अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए, या हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आ जाए, बात एक ही है, तो हम उसको बोलेंगे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहां पर होगा, जहां पर क्या होगा आपका, प्रोनाउन होगा सिर्फ ठीक है, क्योंकि नाउन नहीं आता साथ में, जैसे यहां पर नहीं आया, ये तो ऑब्जेक्ट है हमारा फिर, क्लियर। बोलो ये यहां तक हो गया। अब इसमें भी क्या है दोस्तों, इसमें भी कंपैरिजन, क्योंकि क्वेश्चन कंपैरिजन से बनते हैं इसलिए मैं करा रहा हूं। तो इसमें भी अगर कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो किससे बनता है, तो कंपैरिजन जो बनता है ना, वो बनता है आपका दैट से बनता है, और एक बनता है आपका दोज से, दैट और दोज का कंपैरिजन होता है। तो आया हुआ क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे क्वेश्चन है द होटल्स ऑफ दिल्ली, होटल्स ऑफ दिल्ली आर cheaper than मुंबई, ठीक है दोस्तों, ये आपका बन गया। अब इसमें ना आप एरर फाइंड आउट करने की करिए कोशिश ठीक है। कंपैरिजन किससे होगा भाई, हमारा दैट या दीज में होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताई थी भाई, एक जैसी चीज का ही तो करेंगे, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, ऐसे कंपैरिजन करते हैं। तो यहां पर भी देख लीजिए, अब ये होटल है तो भाई यहां पर मुंबई दे रखा है, तो मुंबई के होटल ही तो होंगे ठीक है। तो अगर मैं इसमें सही उसकी करेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका द होटल्स ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली के होटल हैं, तो यहां पर क्या खाली मुंबई दे रखा है, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, या तो आपका सही जो आंसर होता है ये होता होटल्स ऑफ मुंबई ठीक है, या हम कह सकते हैं दीज ऑफ मुंबई देख लो भाई, ये होगा ठीक है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द होटल्स ऑफ दिल्ली आर चीपर
देन द भी आ जाएगा हमारा, देन द होटल्स ऑफ मुंबई या दीज ऑफ मुंबई, द दीज ऑफ मुंबई, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इस तरीके से एरर आ जाएगा यहां पर। अच्छा एक सिंगुलर का और देख लीजिए, दैट का कहां पर होगा, जैसे मैंने लिख दिया ऊपर कर देता हूं, इसको हटाते हैं, यहां पर लिख देता हूं मैं, जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है द पिज्जा ऑफ दिल्ली, द पिज्जा ऑफ दिल्ली इज बेटर देन मुंबई, इसमें आप बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो देखो द पिज्जा ऑफ दिल्ली, भाई दिल्ली का है तो मुंबई से बात थोड़ी होगी, है ना, तो पिज्जा कंपैरिजन हो रहा है तो पिज्जा की बात होगी। तो यहां पर अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, द पिज्जा ऑफ मुंबई, द पिज्जा ऑफ मुंबई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, या आपको इसको लिख सकते हैं दैट ऑफ, और छोटा करना है दैट मुंबई, ठीक है भाई। इस तरीके से कंपैरिजन आपका आ जाता है, इसको आपको ध्यान में क्या करना है, आपको रखना है, ठीक है। बोलो यहां तक चीजें सही में आई या नहीं, हाँ क्लास थोड़ी सी बड़ी हो रही है, बस एक छोटा सा कर लो, बाकी करते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट जो आएगा, कमेंट करके बताओ यहां तक आ रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है ना वो हेडिंग लगाइए फटाफट से, जल्दी लिखिए। अगला है आपका रेसिप्रोकल, बस यही पढ़ेंगे, तीसरा, तीसरे प्रकार पर आ चुके हम, तो तीसरा नाउन जो होगा वो होगा आपका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है भाई। तीसरा प्रकार आ गया हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अच्छा रेसिप्रोकल का क्या है, जैसे अगर हम बात करें इस रेसिप्रोकल का मतलब होता है आपका आपस में क्या होगा भाई, सॉरी आपस में एक दूसरे से क्या है, म्यूचुअल होता है, म्यूचुअल बोलते हैं रिलेशनशिप, ठीक है, अभी समझ आ जाएगा। रेसिप्रोकल इतना से ध्यान रखो यार, रेसिप्रोकल जो होते हैं ना वो एक तो होता है आपका ईच अदर, ये आपको पता होना चाहिए, और दूसरा जो होता है वो होता है वन अनादर, बस ये इनको ध्यान रखो। ये ईच अदर जो होता है वो दो के लिए यूज करते हैं, वन अनादर जो है वो मोर देन टू के लिए हो जाता है। तो भाई मोर देन लिख लेना, इसका मतलब है दो से ज्यादा के लिए, कैसे हो जाएगा वन अनादर, तो मैं लिख देता हूं यहां पर मोर देन टू, है ना, दो से ज्यादा के लिए, ये मैंने लिख दिया, मतलब हिंदी वाले लिख सकते हैं दो से ज्यादा के लिए, अगर दो हैं तो यहां पर। तो क्वेश्चन और बताओ जो परीक्षा में आए हुए हैं, बस आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं जब तक आप आंसर देने की कोशिश करो। जैसे मैंने लिखा बी बोथ आर टॉकिंग, बी बोथ आर टॉकिंग टू वन अनादर, ठीक है, वन अनादर, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा, दूसरा है आपका, दूसरा है आपका रोहन एंड रीना लाइक वन अनदर, बहुत इजी है। और तीसरा जो रखना है दोस्तों वो है बी ऑल लव ईच अदर, ठीक है। एरर बताओ फटाफट से भाई, मैंने आपको बताया क्या रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होते हैं ना वो कौन से होते हैं, ईच अदर वन अनदर, ये दो ही हैं। ईच अदर जो होगा वो दो के लिए होगा और वन अनदर जो होगा वो दो, तो इस तरह ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखो बी बोथ आर टॉकिंग टू वन अनदर, भाई हम देखो क्या दे दिया उसने, वन अनदर, एक सेकेंड, क्या दे दिया दोस्तों उसने, वन अनादर दे दिया। भाई वन अनादर क्या होगा, दो से ज्यादा के लिए यूज होगा, लेकिन वो क्या कह रहा है बी बोथ, बी बोथ का मतलब मान लो यार आप हो और मैं हूं, है ना, हम दोनों दोस्त हैं, ठीक है, एक मिनट के लिए मान लो, मतलब मैं आपसे ही बातें कर रहा हूं, तो हम दोनों ही तो बात कर रहे हैं, मैंने बोला यू एंड आई, ठीक है, क्या कर रहे हैं आर टॉकिंग, तो यार दो के लिए हमने क्या देखा, यार दो के लिए तो क्या होगा आपका ईच अदर होगा, ईच अदर, तो ये वन अनादर यहां से काटकर क्या हो जाएगा ईच अदर हो जाएगा, ये क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया, क्लियर। तो अगर दूसरी क्या, रोहन एंड रीना लाइक वन अनदर, यार रोहन क्या करता है रीना को लाइक करता है, जैसे आप मान लो मेरे को लाइक कर रहे हो, ठीक है, मैंने बोला मैं आई लाइक यू, ठीक है, तो यार हम एक दूसरे को ही तो कर रहे हैं, तो यहां पर भी क्या होगा वन अनदर नहीं होगा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका ईच अदर हो जाएगा,
ईच अदर, क्लियर। फिर आते हैं बी ऑल लव ईच अदर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बी ऑल लव ईच अदर। तो भाई बी ऑल यहां पर क्या होगा, देखो बी बोथ इसका मतलब था दो, बोथ का मतलब दो, लेकिन यहां पर भी बी आया लेकिन ऑल आ गया, सबकी बात हो रही है, तो भाई सबकी बात हो रही है तो बी ऑल लव। अब मानो आप सभी क्लास देख रहे हो या जितने भी स्टूडेंट मेरे में एनरोल हैं जो देख रहे हैं आप सभी, तो बी ऑल लव ईच अदर मतलब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ एक स्टूडेंट से प्यार करता हूं, तो मैं तो सभी से करता हूं, ठीक है, ये मान लीजिए। तो बी लव क्या होगा, वन अनादर, मतलब एक क्या हो गया, मोर देन टू वाला केस हो गया यहां पर, तो क्या हो जाएगा आपका वन अनादर, सही सेंटेंस क्या होगा बी ऑल लव वन अनादर। तो ये आज आपकी क्लास थी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, क्लास कैसी लगी ठीक है बताना है आपको, ठीक है, और नहीं समझ आई तो भाई दोबारा देख लिया करो, नोट्स बनाओ, नोट्स पढ़ो, ठीक है, आपको नोट्स बाय का हैंड रिटन मिले हुए हैं, ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।